बच्चों के लिए 5 बड़ी बड़ी मुट्ठी चावल मैंने रख दिए हैं। तब तक मैं अपने लिए रोटी बना लूं। आटा मैंने गूंद लिया, रोटी यहाँ पे बन रही है। बबलू नीचे वेट कर रहा है। सारी रोटियाँ बन चुकी है। बच्चों का खाना यहाँ पानी में ठंडा हो रहा है। तब तक मैं अपने लिए सब्जी लेकर आ जाऊँ। आज तो रॉक्सी भी साथ में आएगी। कालू को भी मैंने अंदर बिठा दिया है। 2 लीटर छाछ ले ली। अब चलते हैं सब्जी लेने। कालू मामा अब उस तरफ से खिड़की के बाहर देख रहे हैं। सब्जी की दुकान आ चुकी है। सब्जी की जगह कड़ी पैक करवा रहा हूँ। ये मैं घर पर आ गया। रॉक्सी उतर चुकी है और कालू भी उतर गया। चावल में छाछ मिला दी। सबसे पहले पांडा खाना खा रहा है। अब ये बबलू के लिए खाना। बबलू पांडा से भी फास्ट खाना खाता है। ये मैं राधा के लिए खाना ले रहा हूँ। रॉक्सी तू टेंशन मत ले, अब मैं तुझे भी दे रहा हूँ। खाना खाने की कालू की बारी। कालू को मैं बाहर खाना इसलिए देता हूँ क्योंकि कालू को पसंद नहीं कि खाना खाते टाइम उसके पास में कोई भी आए। अब ये यहाँ पर सुसु पोटी कर लेंगे। और अब मेरे खाने की बारी। मैंने खा लिया है, अब बच्चों के बर्तन धोकर मुझे किचन की सफाई करनी है। पांडा मेरे गोदी में सो रहा है। राधा अभी तक मस्ती कर रही है। रॉक्सी साइड में सो रही है। बबलू ये रहा मेरे पास। अपने डॉग्स के साथ किसका दिन ऐसा निकलता है कमेंट बॉक्स में जरूर बता।